क्विज में खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। टॉप फाइव ने खाया है एक साथ बैठ के खाना। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। घर में जब सुम्बुल तौकीर खान और निमृत आलूवालिया थी तब उस वक्त जो है एमसी स्टैन और शिव ठाकरे काफी सारी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आए। हालांकि ये अपनी मंडली के साथ सुम्बुल निमृत सबके साथ जो है ये बैठ के खाना तो खाते थे, पर बीच में एक चीज ऐसी देखने के लिए मिली कि जब भी प्रियंका के डाइनिंग टेबल पे बैठती थी शिव और एमसी स्टैन जो है वहां से उठ के निकल जाते थे, जो कि जनता ने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया और जनता को काफी ज्यादा ये चीज बुरी लगी। और ये चीज एक्चुअली में मैनर्स भी नहीं है, ये काफी गंदे मैनर्स है जो कि शिव और एमसी स्टैन दिखाते हुए नजर आए। पर अभी आखिरी दिन है, घर में कुछ ज्यादा लोग है नहीं कि भाई हम चिड़चिड़ापन दिखाएं या मुंह फुलाएं, ऐसी चीज नहीं है। घर में खाना बना और वहीं पर खाना पहले डाल के जो है जो शालिन है, अर्चना है, प्रियंका है, वो ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पे तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। इसी बीच में शिव और एमसी स्टैन अपनी प्लेट लेके आते हैं और वहीं पर बाजू में प्रियंका के बैठ के बाजू में शिव बैठ जाते हैं और एमसी स्टैन बैठ जाते हैं और ये पांचों जो है बैठ के बहुत ही अच्छी से बातें करते हैं, खाना खाते। तो जो वो गिले शिकवे थे वो कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं और वो जो मुद्दा था कि भाई प्रियंका के साथ खाना नहीं खाना, वो भी सब चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो ये टॉप फाइव ने जो है साथ में मिलकर खाना खाया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर कोई खाना खा रहा हो और वहां से उठ के नहीं जाना चाहिए, ये मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको बैड मैनर्स बोला जाता है। अगर आप मैनर्स में रहना चाहते हैं तो वो चीज कीजिए जो कि सबको अच्छी लगे। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।